आज हम लोग बात करेंगे सात ऐसे सिम्टम यानी लक्षण के बारे में जो बताती है आपकी मानसिक हालात ठीक नहीं है। दोस्तों, हेल्दी लाइफ मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होता, इसके साथ मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ भी होता है। फिजिकल हेल्थ को ठीक रखने के लिए हम लोग कितना कुछ करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, जिम में जाते हैं, वहीं जब मेंटल हेल्थ की पारी आती है तो कुछ नहीं करते। आज के दिन सबसे बड़ा जो दुनिया का थ्रेट है वो है स्ट्रेस यानी तनाव, जो कई गंभीर बीमारी का जड़ माना जाता है। क्या किसी ने आपको कभी सिखाया है स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है? ना पेरेंट ने आपके सिखाया है, ना कोई स्कूल, ना ही कॉलेज, किसी तरह का कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं सिखाता आपको स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है, जो आपको ज़िंदगी भर झेलनी पड़ती है। और आज इसी के चक्कर में कितने लोग मानसिक बीमारी से पीड़ित है। तो आज का वीडियो में हम लोगों को जानना है कौन सा वो शुरुआती लक्षण है, जिससे आप पहले से पता कर लेंगे तो आगे जाकर आपको मानसिक बीमारी से राहत मिल सके। दिन के ज़्यादातर समय दुखी रहना। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, आप दुखी होते हो तो ठीक है, लेकिन दिन के अधिकतर समय अगर आप उदास बैठते हो और दुखी होते हो, और ये चीज़ अगर आपका कोई दोस्त या करीबी फैमिली मेम्बर नोटिस करता है और पूछता है आपसे, आप क्या सोच रहे हो? अगर आपका जवाब है नहीं तो कुछ भी नहीं, यानी आप क्या सोच रहे हो आपको पता ही नहीं, यानी आप उदास हो, तो ये चीज़ आम लक्षण नहीं है, ये मानसिक बीमारी की शुरुआती लक्षण है। दूसरा लक्षण है किसी भी चीज़ पर फोकस ना कर पाना, खासकर किसी काम पर। अगर किसी काम पर आप फोकस करने के लिए जाते हो तो आप कर नहीं पाते हो, ये भी मानसिक बीमारी का एक शुरुआती लक्षण है। दोस्तों, होता क्या है, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसका पेशेंट यानी धैर्य शक्ति बहुत कम होता है, वो बेचैन होता है, लेकिन उम्र के साथ साथ आदमी का ये जो धैर्य शक्ति है बढ़ता है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता है, आप हर समय बेचैन रहते हो, आपका कंसंट्रेशन पावर घटता रहता है, तो आप समझ लीजिए आप मानसिक बीमारी के पहला चरण जो है उसमें पा रख चुके हो। तीसरा लक्षण है छोटी छोटी बातें भूल जाना, या किसी का नाम याद ना कर पाना। अगर आप किसी रूम में लॉक करके थोड़े दूर जाते हो, आपको डाउट होता है क्या मैंने रूम लॉक किया, फिर आप घूम के आते हो और देखते हो रूम तो लॉक है। इसका मतलब है आप जब रूम लॉक कर रहे थे आपका माइंड किसी दूसरी जगह पर था। अगर आपका माइंड ऐसे हरकत करता है और कुछ चीज़ याद करने में काफ़ी मुश्किल होती है, तो ऐसे जो लक्षण है ये मानसिक बीमारी का लक्षण है। चौथा लक्षण है छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर लेना या चिढ़ जाना, ये भी मानसिक बीमारी का शुरुआती लक्षण है। आमतौर पर क्या होता है, आदमी के दिमाग के ऊपर अगर काफ़ी ज़्यादा मानसिक दबाव रहता है तो उसका धैर्य शक्ति घट जाता है, और एक बार धैर्य शक्ति घटेगा तो आपका जो चिड़चिड़ापन है वो आ जाता है, आप दबाव को झेल नहीं पाते हो, जो बात में आपको रिएक्ट नहीं करना था उस बात में भी आप रिएक्ट करने लगेंगे, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। पांचवा लक्षण है हर समय डरे डरे रहना। दोस्तों, डर दो किस्म का होता है, एक वास्तविक डर और दूसरा है काल्पनिक डर। अगर आपके सामने कोई बाघ आ जाए या सांप आ जाए तो इस परिस्थिति में अगर आप डर जाते हो तो ठीक है, ये वास्तविक डर है। वहीं अगर आप ये सोच के डरते हो, अगर आपके पास बाघ आ जाए, अगर आपके पास सांप आ जाए, या आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, अगर आप मर जाए, तो ये सब जो डर है काल्पनिक डर है और ये मानसिक बीमारी का लक्षण है, क्योंकि काल्पनिक डर आपको ठीक से जीने नहीं देता, हर समय डरा के रखता है और आप डरे हुए सहमे हुए रहते हो। छठा लक्षण है दिन भर थकान महसूस करना। अगर आपको लगता है सिर्फ फिजिकल वॉक से लोग थकते हैं तो आप गलत हो, क्योंकि मेंटल वर्क से भी लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। अगर ऐसा होता, जो व्यक्ति ऑफिस में डेस्क में बैठ के काम करता है और दिन भर ड्यूटी करने के बाद घर में वापस आता है, वो तो कभी नहीं थकते, क्योंकि उसका काम तो बैठे बैठे था, फिजिकल वर्क नहीं था, लेकिन मेंटल वर्क ज़्यादा रहने की वजह से वो थक जाते हैं। क्योंकि हम लोग जब कुछ सोचते हैं तो हमारे दिमाग काफ़ी एनर्जी कंज्यूम करता है, इसीलिए जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं यानी ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं वो और भी थकान महसूस करते हैं।
और मेंटल डिजीज मानसिक बीमारी में ये चीज़ ज़्यादा होती है, खासकर अगर आप नेगेटिव सोचते हो। सातवां लक्षण है सुसाइड का थॉट। आपको लगता है आपका जीवन व्यर्थ है, आप हार चुके हो, थक चुके हो, ऐसे जीवन का कोई मायने नहीं है, इससे भला जीवन ही दे दे। ऐसे अगर थॉट आपके अंदर आए तो आप ज़रूर सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये मानसिक बीमारी का लक्षण है। दोस्तों, इन सात में से कोई भी सिम्टम अगर आपके अंदर दिखाई दे तो आप इसे नज़रअंदाज ना करें, आप ज़रूर इसका इलाज लें, क्योंकि शुरुआती दौर में अगर आप काउंसिलिंग कर लेते हैं या किसी साइकाटिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लेते हैं तो कम दिन का इलाज में ये आसानी से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप नहीं इलाज लेते हो तो बाद में जाकर डिप्रेशन और एंग्जाइटी ये सब बीमारी होने पर आपको लंबा इलाज लेना पड़ेगा और दवाई भी लेना पड़ सकता है। लेकिन दवाई के बारे में लोगों का काफ़ी गलत फहमी भी है। लोग सोचते हैं एक बार अगर दवाई ले लिया तो उम्र भर दवाई लेना पड़ेगा। अगर आपको उम्र भर दवाई लेना पड़े भी तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, अगर आप स्वस्थ रहते हो तो ये तो सबसे बड़ी बात है, लेकिन लोग दवाई लेना नहीं चाहता। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस मानसिक बीमारी में दवा लंबी समय तक शायद चलता है, लेकिन विथड्रॉल हो सकता है, जो काफ़ी लोगों के अंदर गलत फहमी है। लोग ये सोचकर दवाई नहीं लेते कि एक बार ले लिया तो लाइफ लॉन्ग लेना है। तो इन सब सिम्टम को आप ज़रूर पहचानें और इसका इलाज लें। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।